ना पॉलिटिकल पार्टी थी ना लीडरशिप थी। आपने इलेक्शन लड़े ज़ियाउल्लाह के जमाने में? इलेक्शन आपने लड़े थे? उसने तो गैर जमाती कराया था, लड़े तो पार्टियों को इजाजत ही नहीं दी थी। थैंक यू वेरी मच। उसने इजाजत ही नहीं दी। थैंक यू वेरी मच। बिकॉज देयर वाज मार्शल लॉ। सो थैंक यू वेरी मच। एंड दिस कोर्ट हैज, थैंक यू वेरी मच, दिस कोर्ट हैड। तो आप नहीं, सो हम कितना आगे बढ़े, क्या बात कर रहे हैं आप? हम आप अभी आपने जिक्र किया, हमने कभी लगा देते हैं पिटीशन। मेरे मुंशी को बम्बई कागजात के आपके कोर्ट के बाहर से जो है उठा लिया गया था। आपके पास कंप्लेंट आई हुई है? कोई कंप्लेंट मेरे पास नहीं है, डोंट मेक एलिगेशन। रजिस्ट्रार के पास दी हुई है जनाब, आपको पता है रजिस्ट्रार? मुझे कोई चीज नहीं पता है। देखिए, दिस इज अ कोर्ट ऑफ लॉ, डोंट डू दिस थिंग। एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब, मुझे ये कॉन्सेप्ट मुंशी समझ नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट में मुंशी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कैन आई लेट मी कंप्लीट सेंटेंस? ठीक है, इट्स एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। व्हाट डू मीन बाय मुंशी? मेरा मुंशी या मुंशी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, या एएससी है, एओआर है, खत्म। ये मुंशी लोग जो घुस रहे हैं ना चेंबर्स वगैरह में, ये बिल्कुल गलत काम है। कौन है मुंशी आकर के? ये चीजें जो शुरू हो जाती है ना अदालतों में, मुंशी मेरा आया था, आप खुद आइए, आपका जूनियर आए, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आए। डोंट मेक एलिगेशंस कि मेरे पास कोई कंप्लेंट है। आई हैव नो कंप्लेंट बिफोर मी ऑफ, एंड आई विल, इफ देयर इज अ कंप्लेंट ऑफ अ मुंशी, आई विल नॉट इवन रीड इट इफ इट्स नॉट, इफ इट्स नॉट अ लॉयर्स कंप्लेंट, इट इज माय कंप्लेंट। अभी आप मुंशी मुंशी कह रहे हैं, मेरा मुंशी मैं ये कह रहा हूं कि वो आप प्लीज केस चला लीजिए। आपको चलाना है कागज तो एओआर भी नहीं था। आप ये केस चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते हैं कोसा साहब? फाइल तो एओआर, आप ये केस चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते? डेफिनेटली चलाना। तो भी चलाइए प्लीज, वो जरा केस भी लगा दीजिए, क्योंकि वो मैं आपकी मुंशी की कंप्लेंट्स नहीं सुनूंगा। मुंशी की नहीं है, एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब के नोटिस में लाए थे वो। मैं जब हूं इधर उधर से बात कीजिए, ठीक है? अगर आप दूसरे लोगों, हमारे कुलीग से बारे में बात करें जो मौजूद भी नहीं है, इट्स नॉट फेयर। नहीं नहीं, मैं सरदार तारिक, आप प्लीज प्रोसीड विद योर केस, अपना केस चला लें प्लीज। इलेक्शन कमीशन आप बताइए, ये जो रिपोर्ट आपने दी है सर, मैं वेरी ब्रीफ सर। नहीं, वो लेवल प्लेइंग फील्ड की जो ऑर्डर था सुप्रीम सर का 22/12 का, वो ये तो वो मान रहे हैं नॉमिनेशन पेपर वगैरह का, क्योंकि उन्होंने मेरे सामने तो अभी जो ओपनली कन्फ्रंट किया इनको, तो कह रहे हैं ठीक है नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हुए सर। ठीक है जी, अब बाकी चीजों के लिए आप बताइए ना इनको कि वो जो और चीजें हैं जो इतने सारे इश्यूज रेज कर रहे हैं सर, उस पे आप क्या, इलेक्शन कमीशन का क्या मौकिफ है? हमारा मौकिफ सर इज वेरी क्लियर, देयर वाज एन ऑर्डर ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट ऑन 22/12/2023 डायरेक्टिंग द ईसीपी टू प्रोवाइड लेवल प्लेइंग फील्ड, and the second paragraph, the last paragraph says that to hold a meeting with the delegation of PTI. The meeting was held, number was cell number of the chief election commissioner was swapped with Mr. Shweb Shahin, who is present in the court, that he may at any point of time WhatsApp his grievance, which will be redressed at the earliest. The meeting ended with thanks from the chair, and it was agreed upon that as and when they have any complaint, they should approach the election commission, and thereafter they submitted numerous complaints. One by one were addressed, sent to the ROs, to the deputy commissioner. Meeting ke baad kitni complaints aaye aapke paas? Main sir, 33. उन 33 का क्या किया आपने? 33 were sent to the relevant quarter and most of them were redressed, sir. And that is available in the record. Sent to the quarter. That's it. आपने आगे का जुमला नहीं सुना? एक भी एक्शन नहीं। नहीं सर, मुझे एड्रेस भी हो गई। ये मुझे यही एड्रेस है कि आपने भेज दी। देखें, मुझे he was keeping quiet. We wanted to interrupt, we stopped him. Now please let him complete his what he is saying. Sir, he is allowed to do so. आप लोग प्लीज बैठ जाएं, जो पीछे खड़े हुए हैं लोग जो इस केस से ताल्लुक नहीं रखते हैं। ईसीपी की रिपोर्ट जी, आप थोड़ा इस तरफ आ जाएं, माइक के पास सर जी, प्लीज कंटिन्यू सर। Their application CP 47 was submitted, and I read the prayer, sir. It was the prayer in the CP. It will resolve the whole issue as to whether any contempt has been committed by the ECB. नहीं, वो नहीं है, वो contempt की तो बात अलग है ना। जो आप 33 complaints आपको मिली हैं sir,
वो आप कहते हैं रिड्रेस हो गई, वो ये नहीं मानने को तैयार है, वो कहते हैं रिड्रेस दे देखें जो रिड्रेस नहीं हुए दे शुड गिव इट इन राइटिंग, वी हैव गिवन इट इन राइटिंग दैट वी सेंट इट एंड हे सर अगेन इफ देयर ग्रीवेंस वाज नॉट रिड्रेस वेदर दे हैव टू कम बैक टू दिस ऑनरेबल कोर्ट और दे हैव कम टू द ईसीपी दे हैव दे नो वेरी वेल दैट द साहब इसका कोई मैकेनिज्म आपके पास खुद भी इवॉल्व करना चाहिए था ना कि अब 33 आपने भेजी वो कहते हैं हमने जवाब दे दिया कि ये रिड्रेस करा दी हमने, अगर नहीं अगर आपको कोई और इस पे शिकायत थी जी सर तो आप दोबारा भी कह सकते थे, यही चेक आपकी उस मीटिंग में तय हुई होगी ना जो 3 बजे आपकी मीटिंग हुई थी, आप उसके मिनट से सर हाँ तो उसके वो मिनट्स के अंदर कुछ किया होगा ना आपने, मैकेनिज्म कोई मॉडेलिटीज तय की होंगी कि किस तरीके से शिकायत को हल करना है। एग्जैक्टली सर कुछ नहीं किया इन्होंने सिर्फ ट्रांसमिट कर, यही मेरा पहले दिन से भी मौका था, ये कॉस्मेटिक किस्म की ट्रांसमिशन इज दैट। मिनट्स कहाँ लगे हुए आपकी मीटिंग के? मिनट्स और ऑन पेज 4 ऑफ द इनिशियल रिपोर्ट सर, the compliance report submitted on 26th month. And I read, sir, mechanism has been provided, sir. Page 4 of the initial report to registrar Kuditi compliance report. अगर उस मिनट्स ऑफ द मीटिंग इन्होंने पेज 12 पे लगाई है वही देखने आ रहा हूं और ये देखे मैंने क्या कहा, ब्लॉकिंग ऑफ एनआईसीज बाय नादरा, डिटेंशन ऑर्डर / अरेस्ट बीइंग मेड ऑफ पीटीआई पोटेंशियल कैंडिडेट्स बाय पुलिस अक्रॉस द कंट्री, स्नैचिंग ऑफ द नॉमिनेशन पेपर्स, डेटा बीइंग गैदर्ड ऑफ पीटीआई कैंडिडेट्स वर्कर्स, और फिर मैंने स्नैचिंग ऑफ द नॉमिनेशन पेपर्स क्यों हो रहे हैं ये क्या तरीके, टीवी पे हमने देखा है नॉमिनेशन पेपर स्नैच कर रहे हैं। The nomination papers, the Chief Secretary and IG have submitted their report that if any incident had taken place, they could submit and we had already written to the IG and Chief Secretary. हमें तो नजर आ जाते टीवी पे देख लेते, आप लोगों का नजर नहीं आता। That is a matter of evidence. CDs लाया हूँ, औरतों को रफ अप किया गया है, फीमेल्स को रफ अप किया गया, कैंडिडेट्स को पुलिस के बताया। आप बोल रहे हैं। मैं CDs लेके आया। Can we attend to him or no? Is that? आप न्यूट्रल रहे इलेक्शन कमीशन सर, दिस इज पेज 12 ऑफ द सीएम नंबर 8। यू वांट अस टू टेक ओवर द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सर, आई वांट द इलेक्शन कमीशन एंड यू आंसर द क्वेश्चन, इज इट आवर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट टू टेक ओवर द फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान? नाउ प्लीज लेट मी कंप्लीट अ थॉट। To the extent that the Election Commission of Pakistan is not doing something in accordance with the Constitution or the law, we can look into it. But we are not the Election Commission of Pakistan. This point was also made very clear to you when the matter of elections came before us, that we will not give the settle the date of elections, which is the President or the Election Commission of Pakistan or both, they can do so. And they did so. We are not, if you're going to say today someone's paper has been snatched, someone's paper has been rejected, then what we are doing in law would be assuming the duties of the Election Commission of Pakistan, which is not our job. If a returning officer accepts a nomination paper illegally or rejects a nomination paper illegally, there is a forum called the Election Tribunal. Okay. Now please don't start just saying election nomination papers when facts and figures have also been presented. You are assuming that everything is being done by the Election Commission of Pakistan in an election petition, which number of ones which we have heard the other day, Election Commission wasn't doing anything. It was the other side candidates who said disqualify him. They were contesting amongst themselves. One was saying, no, I'm qualified. The other was saying, no, he's not qualified. Election Commission virtually became a bystander. So just don't make allegations against a constitutional body unless you can back it up with proof. इनके मिनट्स के अंदर पैरा 6 जो पेज 6 के ऊपर पैरा 4 की आखिरी 4 लाइन डिसीजन मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है ना सर, मोर ओवर
Pre-poll complaint cells have also been established in ECB to facilitate the political parties, candidates and the general public. The landline, fax, WhatsApp numbers and email address of the complaint cells were shared with delegation as well. The RJC, the Chief Election Commissioner informed the participants